समीकरण बनाना। सलमा और रीमा ने कुछ ऐसे सवालों पर भी चर्चा की। मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे और 1 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं? यहाँ पर 2 अलग-अलग प्रकार के सिक्के हैं और उनकी संख्या अलग-अलग है। हमें दोनों ही पता नहीं है, अतः दोनों की संख्या को अज्ञात द्वारा दर्शाना होगा। अतः हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को x तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को y मानेंगे। हम जानते हैं कि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 100 है, यानी x धन y बराबर 100। लेकिन हम अभी यह नहीं बता सकते कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी होगी। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण देखें जिनमें समीकरण तो बनता है लेकिन उसके हल का पता नहीं चल पाता। उदाहरण 3। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। हल: माना हिरणों की संख्या 100 x, सारस पक्षियों की संख्या 100 y, चूंकि एक हिरण के 4 पैर होते हैं, अतः हिरणों की के पैरों की संख्या 4x, चूंकि एक सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं, अतः सारस पक्षियों की के पैरों की संख्या y है और सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं, तो इस तरह से सारस पक्षियों के पैरों की संख्या कुल जो है वो 2y हो जाएंगी। कथन के अनुसार हिरणों के पैरों की संख्या धन सारस पक्षियों की पैरों की संख्या 180 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिरणों के पैरों की संख्या 4x धन सारस पक्षियों की पैरों की संख्या 2y, और प्रश्न के कथन के अनुसार इनका योग जो है 180 है। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ 4x धन 2y बराबर 180। अतः ये हमारा समीकरण 4x धन 2y बराबर 180, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 4। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपए है। हल: माना एक कॉपी
की कीमत? बराबर x रुपए। उसी तरह से एक पेंसिल की कीमत की कीमत बराबर y रुपए। तब एक कॉपी की कीमत धन दो पेंसिलों की कीमत की कीमत हमारे पास दिया है प्रश्न में 45 रुपए। तो हमने एक कॉपी की कीमत मानी है x रुपए और दो पेंसिलों की कीमत, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत y है तो दो पेंसिलों की कीमत 2y होंगी बराबर 45। यह इस प्रश्न का समीकरण के रूप में हमने इसे प्राप्त किया है। तो यह इस प्रश्न का हल होगा। करके देखें। अब आप निम्नलिखित कथनों के समीकरण बनाकर हल पता करने की कोशिश करें। पहला, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। दूसरा, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तीसरा, एक थैले में 1 रुपये व 5 रुपये के 100 सिक्के रखे हैं। चौथा, एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य 105 रुपये है। पांचवा, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गाय हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है।